बट आज मैंने बहुत झगड़ा किया उससे। किसे झगड़ा किया? आज हम लोग फिर से लोखंडवाला मार्केट आ गए हैं। हमें तो बहाना चाहिए होता है, मुझे और सबा को। सबा भी है, वो कैमरा के पीछे खड़ी है आगे। तो शोएब के व्लॉग में आपने देख लिया होगा कि हम लोग 1 मिलियन गोल्ड बटन की अनबॉक्सिंग के लिए फिर से एक छोटी सी वेकेशन के लिए जा रहे हैं, और शॉपिंग का तो हमें बहाना चाहिए। तो बस हम वो शॉपिंग करने के लिए आज लोखंडवाला आ गए। हम सोचा दूर चलते हैं, बाइक में भी अभी जाना था। मतलब घर के ऊपर ड्रिलिंग हो या बाइक हो, जब मैं बोल रही होती हूँ तभी जाना होता है। चलिए जब भी हम यहाँ आते हैं ना, हम खूब सारा काम लेके आते हैं, क्योंकि इस मार्केट में शॉपिंग करने का अपना ही मजा है। आज मुझे बहुत सारे काम है। सबसे पहले मैं जा रही हूँ अम्मी का दुपट्टा देखने और कुछ लेसेस देखने। मैं चिल्ला रही हूँ आज लिटरली। और उसके बाद गिफ्ट रैपर्स लेने हैं, उसके बाद बहुत कुछ लेना। चलिए शुरू करते हैं। जब भी यहाँ आती हूँ मैं एक्स्ट्रा खर्चा कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लेस पसंद आ जाती है तो मुझे लेनी होती है। और आज भी ऐसा ही हुआ है कि मुझे लेस पसंद आ गई है और अब मैं उसके लिए दुपट्टे का कपड़ा खरीदने जा रही हूँ। और मुझे नहीं पता मैं किस सूट के साथ पहनूंगी, पर मैं वो बनवाऊंगी जरूर। सो आइए। हम पहले भी आया करते थे, अभी लॉकडाउन के बाद आए हैं। और हमने यहाँ से शॉपिंग कर ली है, जो मैंने आपको बताया था एडिशन मुझे लेस अच्छी लग गई, तो मुझे ये बड़ा प्यारा दुपट्टा मिल गया। इस पर मैं सिर्फ वो लेस एडिशन कर रही हूँ। अभी किसके साथ पहनूंगी मुझे नहीं पता। सो हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है, हमने अपनी लेसेस वगैरह खरीद ली। अब हम बाहर निकल गए, अब देखते हैं जो अच्छा लगेगा वो लेते चलेंगे। चलिए फुटवेयर। बहुत ये चप्पलें बड़ी क्यूट लगी थी, लेकिन ये लोग लंच के लिए गए हैं। सो नो प्रॉब्लम, हम आगे चलते हैं, फिर हम वापस आ जाएंगे। कितना लगाएंगे? देने वाला दाम बोलिए। 250 तो बहुत ज़्यादा है, 200 का तो मैं 250 का दुपट्टा लेके आया। देखा आपने, मैं 2.5 मीटर का प्योर कॉटन का दुपट्टा 200 रुपए का लेके आई हूँ, और ये जनाब मुझे इतू सा स्टोल, अब वो 1 से 1.25 मीटर का स्टोल होगा, वो लगा रहे हैं 250 रुपए का। मतलब प्लीज़ यार, थोड़ा तो सोच समझ के लगाया करो। बार्गेन हमें भी करना आता है, पर आप इतना ठगोगे ना तो बार्गेन करने का भी मन नहीं करता सच में। इससे तो लगता है चीज़ ही छोड़ो, चलो कुछ अच्छा देखो। तो ये है हाई पॉइंट। ये लोखंडवाला में हम लोगों का खाने का ऑल टाइम फेवरेट है, इसकी पाव भाजी, इसका सब कुछ। चाट वाट बहुत यम होती है, लेकिन डोंट वरी, आज मैं इडली खाऊंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे शायद लोगों को बैठ के अपना खाने में दे रहे हैं। तो चलिए एक बार चल के चेक करते हैं। हमें अपनी फेवरेट जगह हाई पॉइंट पे आके खाने का मौका मिल गया, इतने महीनों बाद। इतनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती। तो आज आप लोगों को जितना मुझे कोसना है कोस लो, लेकिन मैं पानी पूरी तो जरूर खाऊंगी। आई होप मिल रही है। हाँ मिल रही है, मिल रही है। यहाँ की पानी पूरी बहुत अच्छी है, तो वो तो मैं जरूर खाऊंगी, और फिर मैं इडली खा लूंगी। क्या खाएगी? सी आई एम अ गुड गर्ल। मैं डेफिनेटली अपने टेस्ट बड्स को थोड़ा सेटिस्फाई करने के लिए, और मैं
चार पांच जितने भी महीने लॉकडाउन था उसके बाद मैं अपनी फेवरेट जगह हाई पॉइंट आई हूँ। तो मैं थोड़ा सा पानी पूरी दो खाऊंगी, लेकिन मैंने अपनी ये इडली मंगवाई है। इडली इज़ द मोस्ट हेल्दी एंड टेस्टी डिश जब आप डाइट पे हो रहा बाहर जा रहे हो तो बहुत सेफ होता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तो इडली मुझे बहुत पसंद है यहाँ की। और ये देखो ये यहाँ का पानी पूरी भी आ गया है, आ गई है पानी पूरी, क्या बोल रही हूँ मैं। सो अब हम खाना खाएंगे। मेरे दुष्ट लंबू अभिषेक घूमते हैं ना जो शूट करते हैं, उन्होंने ये मंगाया है मेरी आंखों के सामने खाने के लिए। पेट दुखेगा अभिषेक, मैं सच बोल रही हूँ। डालू मिली, बहुत अच्छा लगा खा के। कम खाया पर अच्छा खाया। इस जगह से बहुत यादें जुड़ी हैं मेरी। जब मैं फ्लाई करती थी तो मैं एज अ पीजी यहाँ लोकनवाला में रहती थी, और उस वक्त मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ यहाँ से पार्सल मंगवाती थी। इनके पराठा मील्स बहुत अच्छे होते हैं, उसके साथ ही आपको थोड़ी दाल और रायता भी देते हैं। यू नो, अगर तंगी चल रही हो ना तो वो एक मंगवा लो एंड यू आर सॉर्टेड। तो चलिए अब हम, आई होप उनका भी लंच हो गया हो, तो हम चक्की चप्पल देखते हैं। छोटी सी प्यारी सी, तो अब मैं अंदर जाके चेक करूंगी कि वो मुझे यहाँ मिलेगी या नहीं। नहीं,
नहीं इसका कितना लगाओगे पहले बताओ, बहुत ज्यादा है 300 का, एक तो बहुत ज्यादा है। मुझे मत बताओ, मैं बहुत लेती हूँ, सालों से लेती आई हूँ, इसका कितना लगाओगे? लेस नहीं कर देंगे, कल को ही बना देंगे हम, ये लेती इसका सही सही लगाओ। नहीं ये अच्छा ये दे देगा, आप मत छोड़ो ना, आप भी तो कर सकते हो 400 का। क्वालिटी समझ में आती है भैया, हम बहुत सालों से खरीदते हैं। बात सुनो, आप एक लेके जाओ, सब जगह मिल रहा है, एक लेके जाओ, चेक कर दिया चाहिए ही नहीं, एक मैं एक्सपेंड क्या करूँगी, मुझे पूरा सेट चाहिए। आप 400 का लगा रहे हो तो मैं पूरा सामान लेती हूँ, नहीं लगा रहे हो तो मुझे सिर्फ ये दे दो, आप डिसाइड करो आपको बेचना है कि नहीं बेचना है। नहीं 400 ना, आप ही नहीं समझेंगे तो हम क्या करें, एक सामान थोड़ी ले रहे हो, अगर आप इसमें नहीं कमा रहे हो तो इसमें तो कमा रहे हो ना, इतना तो ऊपर नीचे आप भी कर सकते हो। I won. ये सेटिस्फेक्शन कुछ अलग ही होती है, ऊपर से नोट भी मैंने बदलवा के लिया, बेचारा मुझे इतनी गालियाँ देगा ना, लेकिन ऑनेस्टली जब मैं ऐसी जगहों से खरीदती हूँ ना तो मैं ज़्यादा बागी नहीं करती हूँ, चल ठीक है यार 5 रुपये कमा रहे हैं कमा लें, पर इतना भी आप नहीं रुक सकते ना, मैं इतने समय से इतनी शॉपिंग करती हूँ तो थोड़ी बहुत अक्ल तो आ ही जाती है, इसलिए आई वन। प्यास लगी थी हमें, और इससे बेटर और क्या हो सकता है कि बाहर निकलते ही हमें इस मौसम में गन्ने का जूस मिल गया, और ये देखिए इतने अच्छे से ताज़े गन्ने इन्होंने रखे हुए हैं, और ये इसमें बना के हमें डिस्पोजेबल ग्लासेस में जो है वो दे रहे हैं। तो हम आ गए और आज मैंने बहुत झगड़ा किया उससे, किसे झगड़ा किया? स्ट्रीट शॉप वाले से बार्गेनिंग करते हुए, वो ज्यादा दाम लगा तो ढीले का रखे रनिंग करें, देखा एक दिन छोड़ के जाओ तो क्या हालत हो जाती है। चलो मैं खेल रहा हूँ, पूरा पसीना पसीना। तो ये जा रहे हैं अपना कैचम कैच खेलने के लिए उनकी भाषा में, और मैं जा रही हूँ ऊपर, अब मैं आराम से फ्रेशन अप होंगी, शायद चाय वाय पीऊँगी और देखूँगी क्या करना है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, इसे शेयर करना, एंड अगर शॉपिंग जाओगे और कोई ज़्यादा दाम लगाएगा तो मेरी तरह ही लड़ना। लव यू ऑल, बाय।